हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा दिखा रहा है और आपका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, बीपीएल या फिर आपका गुलाबी राशन कार्ड। जैसा कि हम बात करें, आपकी फैमिली आईडी के अनुसार जो आपकी डिक्लेयर थी वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है, और आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड दिखा रखा है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर इस फैमिली आईडी के अनुसार आप देख पाएंगे 1,80,000 से लेकर 2,50,000 तक, ठीक है। नहीं, राशन कार्ड का स्टेटस क्या आ रहा है, यहाँ पर नो का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनकम ग्रीवेंस भी यहीं से हम लगा सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको एक नया एक्टिवेट लिंक देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, स्टेजन कॉर्नर पे जैसे आप जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके किसी को आप सीएससी सेंटर पे भी जाने की ज़रूरत है, आप अपने घर बैठे भी आपको, यानी स्टेजन कॉर्नर वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से स्टेजन कॉर्नर के ऑप्शन पे 3 नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, रिपोर्ट ग्रीवेंस एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। उस 3 नंबर वाले स्टेप पर जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपकी फैमिली आईडी से रिलेटेड। तो गाइज, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताऊँगा कैसे कैसे आपको क्या क्या फॉलो करनी है इस वेबसाइट के, पूरी कंप्लीट इस वीडियो में बताऊँगा। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कह रहे करेंसी को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइज, मैं आपका समय व्यस्त नहीं करती हूँ, मैं ट्रिपल पी वाली साइट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पर मैं सिटीजन वाले कॉर्नर पर कैसे कैसे आपको ओपन करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको ग्रीवेंस कैसे लगाना है, कि आपका राशन कार्ड बीपीएल या फिर आपका गुलाबी राशन कार्ड नहीं बना है तो आपका अभी तक, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गाइज, हम यहाँ पर से अपनी साइट पे पहुँच गए हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ऑप्शन, होम का ऑप्शन, हाउ टू अप्लाई, SPPA, पब्लिकेशन, एक्टिव ऑपरेटर, या फिर सिटीजन कॉर्नर, या फिर लॉगिन, ठीक है। तो सिटीजन वाले जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं कि आपने रिपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सक्लूजन ग्रीवेंस के अनुसार, यदि आपको रिपोर्ट कास्ट पर लगानी है आपकी ग्रीवेंस रिलेटेड वो यहाँ से कर सकते हैं। यदि फिर आपको अपनी अपडेट फैमिली आईडी में कुछ डिटेल देखनी है, आपको इनकम देखनी है, तो यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं, अपडेट फैमिली डिटेल में आपको OTP लेकर भी चेक कर सकते हैं, किसी CSC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो गाइज, हम यहाँ पर बात करेंगे जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारा रिपोर्ट एक्सक्लूजन रीजन ग्रीवेंस, यहाँ पर मैं जैसे टाइप करूँगा उसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलग ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, यस नो का ऑप्शन मिलेगा, फिर वहाँ पर हम अपनी फैमिली आईडी भी डाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे इस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाता है, डू यू हैव नो परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी, यदि आपके पास है तो यस करें वरना नो करें, ठीक है। मैं यस कर देता हूँ, अपनी फैमिली आईडी यहाँ फिल कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने जैसे ही यहाँ पर टाइप किया उसके बाद मैं सर्च कर देता हूँ, जैसे मैं सर्च करूँगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, आपको सेंड OTP, मैं यहाँ से सेंड OTP कर देता हूँ, OTP सेंड मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, और यहाँ पर देख पाएंगे 8967, ठीक है। ये OTP यहाँ फिल कर देता हूँ, 8967 यहाँ पर OTP मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, उसके बाद में वेरीफाई OTP यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं वेरीफाई OTP करूँगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है गाइज, यहाँ पर फैमिली वेरिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैं इसको इस तरह का इंटरफेस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल पर ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने फैमिली आईडी डिटेल्स से रिलेटेड देखने मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक कौन सा आपका, वार्ड कौन सा है, और आपका एड्रेस क्या है, और आपकी फैमिली इनकम सेल्फ डिक्लेरेशन थी वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी, 80,000 यानी 80,000 थी, फैमिली इनकम वेरीफाई हो चुकी है, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी 1,80,000 से लेकर 2,50,000 के बीच में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा राशन कार्ड स्टेटस नो, ठीक है। यहीं पर हम चेक कर सकते हैं अपना राशन कार्ड बीपीएल या फिर गुलाबी बना या नहीं बना। यदि आपको यहाँ पर ग्रीवेंस लगानी है तो इनकम ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर देंगे, ठीक है, फिर आपका ग्रीवेंस लग जाएगी इनकम के रिलेटेड, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलेगा देखने को कि आपकी जो फैमिली आईडी वेरीफाई हुआ है लोकल कमेटी अनुसार, यहाँ पर हम बात करेंगे, छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है हमारे अनुसार, ठीक है। इनकम वेरीफाई होने के अनुसार यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो गाइज, इस स्टूडेंट ने, इस कैंडिडेट ने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जूम करके भी आप देख सकते हैं, एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इनर 1,80,000 पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ ए मेंबर ऑफ द फैमिली। ये जो फैमिली आईडी में मेंबर है, इस मेंबर ने 1,80,000 से ज़्यादा की
एनुअल इनकम के अनुसार आपने ITR फिल की हुई है। इस वजह से यानी यहाँ पर CBDT डाटा है जो नया सॉफ्टवेयर बना है CBDT का, यानी ये वाला जो ऑप्शन है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार इस डिपार्टमेंट ने आपकी ITR है वो 3 साल के दौरान वो यहाँ पर अपडेट कर लिया है। ठीक है, यदि आपने आप फिल की है या नहीं की है उसके अनुसार यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ग्रीवेंस का ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पर जैसे ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो उसको एक सामने आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है ITR ऑफ। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है 2018-19। यदि आपने फिल की है तो यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करनी है और आपको ITR फाइल अपलोड करके ने और डाउनलोड करके यहाँ से चूज फाइल आपको अपलोड कर लेने हैं। यदि आपने इस साल की है तो यहाँ पर करे, वरना नहीं की है तो यहाँ से नोट फिल भी कर सकते हैं। जैसे आप नोट फिल करेंगे तो आपको फाइल अपलोड वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह 2019 और 20 का बैच है हमारा सेशन ईयर। यदि आपने फिल की है तो यहाँ पर चूज योर फाइल करें, अमाउंट पे कंप्लीट फिल करें यहाँ पर या फिर नोट करें। ठीक है, नहीं कर रखी है तो आपने गाइज यहाँ पर इस तरह से 2021 का भी इस तरह है और 2021-22 का भी आपने ITR फिल किया है तो यहाँ पर इस तरह से फिल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ से आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से सबमिट हो जाएगी आपकी, फिर डिपार्टमेंट इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद में फिर आपको यदि आपकी जायज़ होगी तो आपको नुस्खा अपनी साइट पर अपडेट हो जाएगी, आपकी इनकम भी कम हो जाएगी। जैसे इनकम कम होगी तो आपका राशन कार्ड भी बना दिया जाएगा गाइज यहाँ पर इस तरह से। अपना राशन कार्ड का फिर चेक करते रहें हफ्ते मतलब 2-4 दिन के दौरान इस तरह, जैसे आपका कंप्लीट होने के बाद में। यदि आपको नहीं कर रखा है, आपने ITR पहले कभी भी फिल नहीं की है तो फिर भी आपकी ITR का इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कभी भी आपने ITR नहीं की, फिल भी की है या फिर बाय दी वे किसी के झांसी माने की वजह से, आपने लोन लेने की वजह से, तो आपने किसी भी एक साल का ITR फिल कर दिया इनमें से, तो वो यहाँ पर चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करवा लें। यदि फिर आपको नहीं है तो आपको अफिडेविट भी टाइप करवा लें कि मैंने गलती से अपनी ITR फिल कर दी थी, इतने रुपए की थी, जितनी भी आपने की थी वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। फाइल चूज सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में फिर आपको इस तरह सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो वो जैसे अपना डिपार्टमेंट CBDT डिपार्टमेंट चेक करेगा, चेक करने के बाद में अथॉरिटी के अनुसार फिर आपकी वेरीफाई भी हो जाएगी और आपका राशन कार्ड भी एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से BPL राशन कार्ड होगा या फिर आपका जो भी गुलाबी राशन कार्ड बनेगा। तो गाइस ये वीडियो थी आपकी ITR से रिलेटेड, यदि आपने ITR फिल की है। इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको लेकर आएंगे आपके सामने, जैसे कि मान लो कि आपके ITR में फिर भी आपने ITR नहीं भर की है तो फिर भी आपका यहाँ पर कुछ एक डिटेल यहाँ पर डाटा शो कर देता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या करना है। इस तरह से मैंने आपको ग्रीवेंस रिलेटेड बता दिया है। तो गाइस वीडियो जरूर से अच्छी कर लेगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, जरूर से बताएं मुझे। ठीक है, आपको क्या क्यों नहीं बना आपका राशन कार्ड, क्या दिखा रखा है, तो भी मैं आपको यहाँ पर चेक करके उसमें इसके अनुसार वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइस वीडियो जरूर से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।